चेक करिए. अब आ रहा है, अब आ रहा है. यस, सो टुडे वी विल डू यूजुअल मेट्रिक ऑन आर स्क्वायर. कल हमने किया था यूजुअल मेट्रिक ऑन आर, राइट? सो टुडे वी विल डू यूजुअल मेट्रिक ऑन आर स्क्वायर. यूजुअल मेट्रिक ऑन आर स्क्वायर. सो पहला क्वेश्चन ये है कि आर स्क्वायर है क्या. देखिए बेटा, कल आपने आर किया, आर जो था वह एक सिंगल लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. सो ये इधर एक आर है और ये आर है. इसका मतलब अगर आपने यहाँ एक वेक्टर लेना है, सॉरी वेक्टर मैंने लास्ट टाइम भी वेक्टर बोल दिया था, क्योंकि वैसे जब हम लीनियर स्पेस में बात करते हैं वो हम वेक्टर की बात करेंगे. आर इट इज अ स्पेस ऑफ रियल नंबर, हम यहाँ लीनियरिटी की बात नहीं कर रहे हैं. सिंपल वी हैव टेकन द स्पेस ऑफ रियल नंबर. सो मुझे ये पॉइंट बनाना है एक्स एंड वाई, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट बनाना है. इसका मतलब मैं इधर से एक्स चलूंगी और इधर से मैं कितना चलूंगी, वाई चलूंगी, सो दैट आई विल गेट दिस पॉइंट एक्स वाई, राइट? तो दैट्स व्हाई दिस टोटल स्पेस इज कॉल्ड आर स्क्वायर. ये टू डायमेंशन है, दिस स्पेस इज टू डायमेंशनल स्पेस, राइट? अब आर स्क्वायर का मतलब एक्चुअली आपके पास क्या होगा, आर क्रॉस आर, ठीक है जी. दोनों के ऊपर पावर कितनी है, वन है. सो दिस इज अ यूजुअल मेट्रिक ऑन आर स्क्वायर. दिस इज अ स्टैंडर्ड मेट्रिक स्पेस. जैसे आर थी उसी तरह ये भी क्या है, स्टैंडर्ड मेट्रिक स्पेस. दिस इज अ स्टैंडर्ड मेट्रिक स्पेस. नाउ द क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन ये है, मान लो अब बार बार हम इतना बड़ा आर स्क्वायर लिखेंगे, हमने एक्स का ही नाम क्या रख दिया, लेट एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और हमने दो पॉइंट्स लिया. मुझे पता है कि अगर मैंने आर स्क्वायर में पॉइंट लेने हैं तो वो कोऑर्डिनेट की फॉर्म में होंगे. x will have x1 x2 and y will have y1 and y2, ठीक है जी. be any both belongs to the x, be any elements of x, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, be any element of x, right? now consider mapping. मैं next screen पे जा, I'm going to the next screen. Consider a mapping. एक मैप कंसीडर किया आपने, वही हम मैप का हर बार यहाँ पे नाम क्या होगा, डी फ्रॉम. अब आपका एक्स जो है वो यहाँ आर स्क्वायर है. आप दोनों तरीकों से लिख सकते हैं, आइदर यू कैन राइट दिस, ठीक है, और यू कैन राइट, क्योंकि अगर हमने नाम ही इसका एक्स रखा है, देन यू कैन राइट डी फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू बार. यहाँ हमेशा आ रहेगा क्योंकि डी एक्स वाई जो है वो एक स्केलर है, वो एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसने आर में ही जाना है, ठीक है. यहाँ हम कुछ भी डोमेन जो है अकॉर्डिंग टू द नीड ले सकते हैं. सो कंसिडर अ मैपिंग, डी ले लिया आपने, डिफाइंड एज, This is defined as, हाँ जी उसी तरह से ही d of xy is equal. अब देखिए बेटा, अब क्वेश्चन ये है भी मेट्रिक यहाँ पे डिस्टेंस, अब देखो कैसे डिफाइन करना है. ये आर स्क्वायर में बात कर रहे हैं, आपने दो पॉइंट्स ले लिए बेटा, यू हैव टेकन टू पॉइंट्स इन द टू डायमेंशन. अब मुझे टू डायमेंशन फिगर का कोई एग्जाम्पल देंगे बेटा, will you give me some example of two dimensional space, anyone? no, say yes or no. Gurleen, Isha, no. Gurleen, Isha, no. yes. no 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 तानिया, स्विच ऑफ द वीडियो बेटा, जस्ट लिसन. तो बेटा व्हाट इज एग्जांपल ऑफ, ठीक है, देखो अब आपके घर में अब एक, मैंने एक पेपर ले लिया, आपके पास एक पेपर पड़ा हुआ है, दिस इज अ पेपर, ये टू डायमेंशनल है, ये क्लोज फिगर है, ये टू डायमेंशन है. मैं ये नहीं कहती हर क्लोज फिगर ही टू डायमेंशन होगी, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया, कागज का एक ये रैपर पड़ा हुआ है, ये टू डायमेंशन है, ठीक है. अब आपके पास जो ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड आपकी ये जो स्क्रीन आपके सामने बेटा नजर आ रही है,
व्हाइट स्क्रीन, व्हाइट बोर्ड जो नजर आ रहा है, दिस इज टू डायमेंशनल, राइट? सो ये जो है आपके पास फिगर, ये थ्री डायमेंशन, ये टू डायमेंशन की बात है. टू डायमेंशन में दो पॉइंट्स पड़े हैं, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ए एंड दिस इज द फर्स्ट पॉइंट बी. देन व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन टू डायमेंशनल स्पेस? क्या फॉर्मूला होता है? दिस इज x1 माइनस y1 होल स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला, बेटा आप बहुत बार पढ़ के आए हैं ये, प्लस फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला रियल लाइन में. कल मैंने, अगर आपने वीडियो बेटा मेरी ध्यान से देखी थी, तो रियल लाइन भी थी, आई हैव टेकन टू पॉइंट्स एक्स एंड वाई. मैंने कहा भी आपका ये इंटरचेंज भी हो सकता है कि आर्बिट्री पॉइंट है कोई भी ले लिए, और मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, चाहे मैं एक्स का वाई से देख रही हूँ, वाई से एक्स का देख रही हूँ, मेरा डिस्टेंस सेम आना चाहिए. तो डिस्टेंस सेम कब आएगा? जब आप एब्सोल्यूट लोगे उसका, जब आप उसका मॉड लोगे. चाहे आप x माइनस वाई कैलकुलेट कर लो, चाहे आप y माइनस x कैलकुलेट कर लो, दोनों क्या है? सेम है, राइट? सो देयरफॉर हियर द डिस्टेंस इज डिस्क्राइब्ड एज x1 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 होल स्क्वायर. अब क्वेश्चन ये है कि प्रूव हमें क्या करना है. आप देखो, एक बार दोबारा मैं इसको लिख रही हूँ, आई एम जस्ट राइटिंग इट अगेन. डी ऑफ डी, जब आपने डी लिखा तो आपने यहाँ लिखा एक्स वाई, ठीक है? मतलब x के कितने पॉइंट्स हैं आपके पास? x मतलब x1 x2, राइट? और y क्या है? y इज y1 y2. एंड डिस्टेंस इज डिस्क्राइब, दिस इज x1 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 होल स्क्वायर, ठीक है जी? अब एंड ऑल xy दे आर कमिंग फ्रॉम x एंड x इज इक्वल टू r स्क्वायर. So now we shall prove that then what we want to prove, then D is a metric on X. Then D is a metric on pehli property. Distance between XY is greater than or equal to 0. ठीक है, for all XY belongs to X. चलिए, so first property में मुझे prove करना है कि distance जो है positive है. तो मैं कहां से शुरू करूंगी बेटा? क्लियरली देखो बेटा, x1 माइनस y1 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, एंड यस x2 माइनस y2 होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल, ठीक है जी? चलिए, अगर दोनों नंबर ग्रेटर देन 0 हो तो इनका सम भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 प्लस x2 माइनस y2 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0. आपका अगला स्टेप आएगा, इट इंप्लाइज, आप यहाँ लिखेंगे as और यहाँ पे लिखेंगे item. अब आपका next step आएगा, मैं इसी में ही कर रही हूँ. अगर number positive है ना, उनका square root भी क्या होगा? Positive ही होगा. This is greater than or equal to 0. ठीक है जी, तो ये क्या बन गया? It implies distance between x y is greater than or equal to 0 for all x y belongs to. This is the first step. I hope this point is clear to all of you. Right? चलें आगे. Next है number 2. नंबर टू पॉइंट करेंगे. नंबर टू पे आप लिखिए, नंबर टू में क्या प्रूव करना है? डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ. नंबर टू पॉइंट है डिस्टेंस, दिस इज नंबर टू पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है जी? लेट मान लिया, मान क्या लिया? डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई क्या है? 0. बेटा सारी वैल्यूज यहाँ पे लगा दें, that is x1 minus y1 whole square plus x2 minus y2 whole square is equal to 0. ठीक है जी? If and only if का मतलब है कि दोनों तरफ से रिजल्ट हमारा चलेगा. So then you will get x1 minus y1 whole square plus x2 minus y2 whole square is equal to 0. Right? If and only if. देखो, अब यहाँ पे मुझे बताइए, if you have this expression, if a square plus b square is equal to 0, then what is a and what will be b? फटाफट से रिस्पॉन्स किया करो, सिर्फ लिखना नहीं हमने साथ में कर. मैम a हो, मैम a is equals to x1 minus y1. No, बेटा, my point is if you have any two real number a and b belongs to R, if the sum of the square is equal to 0, then what is a and what is b? मेरा question ये है. मैम इक्वल लाने चाहिए.
नहीं क्या मैं वैल्यू पूछ रही हूँ, यू विल गेट हियर, ए व्हाट्स वैल्यू ऑफ ए मैम माइनस बी क्या, व्हाट द व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी सेटिस्फाई दिस रिलेशन, द ओनली ए इज इक्वल टू जीरो एंड बी इज इक्वल टू जीरो विल सेटिस्फाई दिस रिलेशन, और कोई नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा. आप ए ग्रेटर देन जीरो ले लो तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर जीरो नहीं आएगा. आप ए नेगेटिव ले लो बेटा तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर जीरो नहीं आएगा, सिर्फ कौन सेटिस्फाई करेगा इसको, जीरो. तो यहां से देयर फोर सेम हो गया, देयर फोर दिस इज जीरो एंड एक्स टू माइनस वाई टू होल स्केयर इज इक्वल टू जीरो, राइट. तो यहां से अब आगे लिख लीजिए, तो क्या बनेगा ये, देयरफॉर स्क्वायर हटा दीजिए एंड x2 माइनस y2 इज इक्वल टू जीरो. तो यहां से क्या आ गया, x इज इक्वल टू y1 एंड x2 इज इक्वल टू y2, ठीक है जी. सो दोनों पेयर सेम आ गए, यही आपने प्रूव करना था. देयरफॉर x1 x2 इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू y2, यहां आपका इफ एंड ओनली इफ चलता जाएगा, इफ एंड ओनली इफ, और ये कौन है x एंड दिस इज y. क्लियर? यस मैम. ओके नाउ वी विल डू द थर्ड प्रॉपर्टी. लेट्स डू द थर्ड प्रॉपर्टी. थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? थर्ड प्रॉपर्टी कहती है इट इज सिमेट्रिक, डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड एक्स, ठीक है जी. पीछे रजे बार बार लिखना है, यू विल राइट फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स. सो लेट अस कंसीडर डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई. So distance between x, y, you will write this is x1 minus y1 whole square plus x2 minus y2 whole square. ठीक है जी, this is equal to. So क्या आएगा यहाँ पर, आप इसकी वैल्यू को इंटरचेंज कर देंगे, आप इसकी पोजिशन को, वैल्यू को नहीं पोजिशन को इंटरचेंज कर देंगे. You will get the minus over here. You will get y1 minus x1. Then you will enclose. Then you will put a square. Then you will get this. Then उसके बाद फिर माइनस निकालेंगे बेटा वाई टू माइनस एक्स टू और फिर इसका स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू दिस इज व्हाट यू विल गेट हियर, वाई वन माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस एक्स टू होल स्क्वायर. सो दिस इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड एक्स. हेंसफोर्थ हाउ सिंपल, वेरी सिंपल बेटा, बहुत ही मजेदार, बड़ी ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट द फोर्थ प्रॉपर्टी. फोर्थ प्रॉपर्टी थोड़ी सी जो है वो डिफरेंट है नंबर फोर. नंबर फोर प्रॉपर्टी इज डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड प्लस डिस्टेंस बिटवीन जेड वाई फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स. It means you have taken x is equal to x1, x2, y is equal to you have taken y1, y2, z you have taken z1, z, right? X, y and z. ये तीनों के तीनों कहां से आ रहे हैं? Where? Where आप यहां लिख सकते हैं? You can write here where x. ये position. ठीक है. अब जो प्रूव करना है, देखो प्रूव करना है आइदर यू कैन प्रूव डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इज लेस देन और इक्वल टू दिस और यू कैन प्रूव दैट डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड प्लस जेड वाई इज लेस देन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, कहीं से भी आप उठा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस. तो अब देखिए मैंने कहां से शुरू किया, मैंने इसको राइट साइड से शुरू किया. तो कंसीडर डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड प्लस डिस्टेंस बिटवीन जेड वाई, ठीक है जी, और इसका मैंने ले लिया स्क्वायर, राइट. सो दिस इज इक्वल टू बेटा इनकी वैल्यू लगाएंगे, दिस इज समेशन आई, मैं समेशन की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ इसको, जो मैंने इतना पूरा ब्रॉड में खोल खोल के उसको लिखा, वी कैन राइट इन इट इन द फॉर्म ऑफ समेशन एक्स आई माइनस जेड आई होल स्क्वायर इट्स अंडर रूट प्लस समेशन आई रनिंग फ्रॉम वन टू टू जेड आई माइनस वाई आई इट्स स्क्वायर, इट्स स्क्वायर रूट एंड इस पूरे का होल स्क्वायर, राइट.
अब अगले स्टेप में बेटा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलते हैं, आपका इक्वालिटी आएगी बेटा जी, फिर इसके बाद इक्वालिटी चल रही है बेटा, जब स्क्वायर खोलेंगे तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, सो यू आर ओनली लेफ्ट विद हियर समेशन xi माइनस, दिस इज xi माइनस, जस्ट वेट, यस कहाँ पहुंचे थे हम, हाँ अब आपने इसका फॉर्मूला खोल देना है, फॉर्मूला खोल के व्हाट यू विल गेट, मैं वहां लिख रही हूँ, दिस इज समेशन आई रनिंग फ्रॉम वन टू टू, दिस इज एक्स आई माइनस जेड आई स्क्वेयर प्लस समेशन आई रनिंग फ्रॉम वन टू टू जेड आई माइनस वाई आई होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, अब टू ए बी में क्या आएगा बेटा, एक ये वाला समेशन आई एम नॉट राइटिंग, यू विल राइट, और एक ये वाला समेशन, ठीक है जी, आप लोग अपनी कॉपी पे लिखे, आपने एरो नहीं डालने, यू विल राइट लाइक दिस इज समेशन एक्स आई माइनस जेड आई होल स्क्वायर एंड समेशन जेड आई माइनस वाई आई होल स्क्वायर, ठीक है जी। चलिए अब उसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी यहाँ पे लगानी है, आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट स्क्रीन, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने वही लगाया समेशन आई रनिंग फ्रॉम वन टू टू एक्स आई माइनस जेड आई होल स्क्वायर प्लस समेशन आई रनिंग फ्रॉम वन टू टू जेड आई माइनस वाई आई होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे बच्चे मैंने देखो क्या कर दिया, समेशन आई रनिंग फ्रॉम वन टू टू एक्स आई माइनस जेड आई इंटू जेड आई माइनस वाई आई, और यहाँ पे मैंने साइन दे दिया ये ग्रेटर देन, क्यों मैंने बेटा वहां पे अंडर रूट में था और मैंने यहाँ पे अंडर रूट खत्म कर दिया, मैंने क्या लगाया यहाँ पे बेटा, हमने एक लेमा यूज किया है, उसका नाम है कॉची स्क्वार्स इनइक्वालिटी, कॉची स्क्वार्स इनइक्वालिटी, ठीक है जी, सो दिस कम्स आउट टू बी कितनी आई बेटा, क्या वैल्यू देती है ये वैल्यू देती है समेशन आई रनिंग फ्रॉम वन टू टू एक्स आई इंटू वाई आई, ठीक है जी, दिस इज लेस देन और इक्वल टू समेशन आई रनिंग फ्रॉम वन टू टू एक्स आई स्क्वेयर इट्स अंडर रूट इंटू समेशन आई रनिंग फ्रॉम वन टू टू वाई आई स्क्वेयर इट्स अंडर रूट। अब आप कंपेयर करिए यहाँ पे आपके पास क्या था, ये बेटा सारा आपका ब्रैकेट में आएगा, दिस इज बाय कॉची स्क्वार्स इनइक्वालिटी, इसके ऊपर वाले स्टेप में बच्चे यहाँ पे क्या था, आपके पास यहाँ पे अलग अलग दो अंडर रूट पड़े हुए थे, अब मेरा एक्सआई का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, मेरा एक्सआई का काम कर रहा है ये पूरा कर रहा है एक्सआई माइनस जेड आई कर रहा है, मेरा वाई आई का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, यहाँ कर रहा है जेड आई माइनस वाई आई, ठीक है, पिछले एक्सप्रेशन में यहाँ पे इस वाले स्टेप में आपके पास यहाँ क्या था, यहाँ स्क्वायर रूट था, अलग अलग स्क्वायर रूट था, अब मैंने जब कॉची अप्लाई कर दी, एक तो यहाँ पे बच्चे ग्रेटर देन और इक्वल टू लग गया, और दूसरा जो है यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे ये जो है ये एक्सप्रेशन लग गया, क्योंकि दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, अब अगर मैं इसको उल्टा कर देती हूँ तो रिलेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू में बदल जाएगा, ठीक है, तो अब ये आपका एक्सप्रेशन बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, पूरा का पूरा फॉर्मूला बन गया, सो दिस इज इक्वल टू, दिस इज समेशन, पूरा बाहर ले आइए सबका कॉमन, अंदर बच गया एक्स आई माइनस जेड आई होल स्क्वायर प्लस जेड आई माइनस वाई आई होल स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स आई माइनस जेड आई इंटू जेड आई माइनस वाई आई, ये आपका पूरा एक्सप्रेशन पीछे बच गया, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए, ठीक है जी, सो दिस कम्स आउट टू बी, सो दिस इज इक्वल टू समेशन आई रनिंग फ्रॉम वन टू टू एक्स आई माइनस जेड आई, ठीक है, प्लस जेड आई माइनस वाई आई, राइट, एंड इट्स होल स्क्वायर,
उसमें से ये कैंसल आउट हो गया एंड यू आर लेफ्ट विद समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to 2 एक्स आई माइनस वाई आई होल स्क्वायर. ठीक है, एंड xi minus yi whole square and this is nothing but the distance between xy. Distance between xy में square root होता है, तो इसका मतलब ये बन गया distance between xy it's square. इधर भी आपका कुछ square पड़ा हुआ था, इस side पे क्या पड़ा था? Distance between xz right, और यहाँ relation क्या चल रहा था? Relation चल रहा था greater than or equal to. ठीक है जी, तो ये दोनों आपस में कैंसल. सो देयरफॉर अब इसको सीधा ही मैं इसको सीधा लिख रही हूँ, दिस इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड प्लस डिस्टेंस बिटवीन जेड वाई. देयरफॉर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैट्रिक इज फॉलोड बाय द फंक्शन डी. देयरफॉर डी इज अ मैट्रिक ऑन R square. Therefore, D is a metric on R square. Right? So I hope the theorem is clear to all of you. Right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear? चलो अब आगे चलते हैं.